मैं कह रहा हूँ ये जो एक आध सिनेमेटिक शॉट होता है ना यही प्राण निकाल देता है। मतलब सिंपल सी चीज़ है, छपरी का ठप्पा नहीं लगवाना, बट हाँ कहीं ना कहीं जितने भी बाकी एग्जॉस्ट होते हैं उनसे अच्छा है। पर इसने शॉट गलत कर दिया, अब ये वापस से फिर से लेनी पड़ेगी। तो ये भाई आज हमारा फाइनली ये काम हो जाएगा। अब देखो एग्जॉस्ट लगा के बहुत चला ली बाइक, अब हमें जाना होता है जम्मू वम्मू वाली साइड। सो वी डोंट वांट कि हम पे कोई कागजी कार्रवाई हो जाए भाई, मतलब सिंपल सी चीज़ है, छपरी का ठप्पा नहीं लगवाना। तो चलो आज एग्जॉस्ट निकलवाते हैं बाइक से, बैठ जा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और देखो आज मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होके फाइनली मैंने सोचा आप लोगों से सजेशन लेना सही रहेगा, और किस चीज़ के बारे में सजेशन लेना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा भाई, तो आपको पता चल जाएगा। अब असल में तुम्हें पता है ना, मैंने जब से अपनी बाइक में एग्जॉस्ट ये अपना लगाया है ना लियो विंस का, तब से ना बाइक बहुत ज़्यादा लाउड हो गई है यार। तो इतना लाउड झेलना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली वो स्मूथिंग आवाज़ तो आती नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं जितने भी बाकी एग्जॉस्ट होते हैं उनसे अच्छा है। तो अब फिलहाल जो मैंने डिसाइड किया, तो मैं पता है इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि सुपर बाइक लूँगा, अब देखो टाइम आ गया सुपर बाइक लेने का। एक टाइम हुआ करता था जब मैं लाइक 10th क्लास में स्कूल में जाया करता था, तब मेरे पास बाइक नहीं हुआ करती थी, एंड आई यूज़ टू गो ऑन दिस काइंड ऑफ मेटाडोर। पहले आर्मी बस थी, बट बीच में जब मैंने स्कूल चेंज किया तब इस पर जाना पड़ता था। तो तब जब इसमें बहुत ज़्यादा रश हो जाता था लाइक वापस आते टाइम, जब सभी बच्चे आते थे स्कूल के, तो पूरी फुल हो जाती थी। तो वी यूज़ टू यू नो, हम पीछे लटका करते थे या ऊपर बैठा करते थे, और अभी भी याद है जितने भी पेड़ रास्ते में आते थे सीधा मुंह पे टकराते थे भाई, और टाइम बहुत अच्छा था। तो मैं पिछले लगातार 3 महीने से एक बाइक ढूंढ रहा हूँ जो है 2015 मॉडल से अबव R1। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मुझे अच्छी से अच्छी बाइक मिल जाए, उसमें से एक बाइक थी जो सच में मुझे पसंद आई थी, जिसे मैं लेना चाहता था, वो थी अश्विन सिंह टकियार भैया की। ऑब्वियसली बहुत साफ बाइक थी, बहुत अच्छी बाइक थी, बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि जब वो बाइक मिल रही थी तो वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे थी, तब मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं उसी टाइम जाके उसे खरीद सकूँ, और जब तक मैं खरीदता तब तक वो सोल्ड हो चुकी थी। तो वहाँ पर एक चक्कर बन गया। अभी जो दूसरा नंबर मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, जितनी भी बाइक्स R1 मिल ही नहीं रही है भाई, इंडिया में इतनी रेयर हो गई है R1 की पूछो मत। मतलब मैंने तो पूरी कोशिश लगा ली, दिल्ली बेंगलोर चेन्नई हर जगह पता कर लिया, बट कोई भी अच्छी R1 सेल पे नहीं है। अगर आपको लगता है कोई है जो साफ हो बाइक अच्छी हो, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या नीचे कमेंट करके बता देना कि भाई यहाँ यहाँ अवेलेबल है। और देखो एक और चीज़ है कि R1 जितने भी मोस्टली इंडिया में जितनी अवेलेबल है वो मोस्टली 2015 या 16 मॉडल, और उसके हिसाब से जो उसका प्राइस बनता है उससे यहाँ पर आस्किंग ज़्यादा है। ऑब्वियसली रेयर बाइक है तो मैं मान सकता हूँ, बट उस तरीके की कंडीशन हो तो फिर क्या ही बात है, मज़ा आ जाए। मतलब क्रैश हिस्ट्री कोई ना हो एंड देन हमें बाइक मिल जाए भाई, दैट्स ग्रेट। तो फिलहाल अगर तो अभी भाई बाइक मिल जाती है फिर तो बहुत बढ़िया है, बट अगर नहीं मिलती देन हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि R1 को रखेंगे हम फ्यूचर के लिए, और फिलहाल कोई और बाइक हमें उठानी पड़ेगी। अब मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ऐसा करूँ, बट अगर करता भी हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होगी कि हम कोई लीडर क्लास बाइक पर जाएँ। ऑब्वियसली हो सकता है वो सुपर बाइक ना हो, टेंशन मत लो, Z900 नहीं जाऊँगा। अब बाइक जो मिलती है उस पर डिपेंड करता है, और ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास इंडिया में फिर भी नहीं है। तो पहले नंबर पे जो बाइक होगी दैट विल बी 959 पेनिगाले, अदरवाइज ZX10R हो सकती है पुराना वाला मॉडल, 18 या 19 मॉडल। अब तुम बताओ यार तुम्हारे पास क्या सजेशन है, अगर अभी हमें R1 नहीं मिलती तो हमें क्या सुपर बाइक लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, पक्का याद से बता देना ठीक है। और हाँ मैं 2-3 बार गया भी हूँ, मैंने 2-3 सुपर बाइक्स देखी भी हैं इसी चक्कर में, बट उनमें से कोई भी होता है ना वो पंच नहीं आ रहा जो R1 में आता है, क्या करें। फिलहाल अगर नहीं है तो कोई और ही उठानी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो भाई हम एजेंसी पहुँच चुके हैं, यहाँ से कराते हैं अपना एग्जॉस्ट चेंज, और यहाँ पर बहुत ही सही चीज़ खड़ी है, और वो है MT15 नया वाला मॉडल आ चुका है भाई। ये देखो भाई ये हमारा एग्जॉस्ट, देख लो इसका सेंसर अभी उतार रहे हैं, और ये पूरा काला हो गया भाई अंदर से, इसीलिए मैं बोलता हूँ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट थोड़ा बहुत रिस्की होता है। और ये होता है कार्बन इमिशन, जो हाफ बर्न्ड फ्यूल सारा बाहर आता है वो ये होता है भाई साहब। यार अभी एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है अपनी बाइक में लगाने वाली, और वो है भाई हमारी ट्रैक्शन किट। ये हमारी ट्रैक्शन किट जो कि एक टाइम पे मैंने अपने V3 पे लगाई होती थी, उसके बाद उसको ब्लैक कर दिया था, देन वो इतनी मतलब जच नहीं रही थी उस पर ब्लैक के ऊपर, वापस से मैं ट्रैक्शन किट लगा देता हूँ। बट ये बाइक का कलर ग्रे है तो इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट जाएगी, मैं दिखा देता हूँ लगनी कहाँ पर है। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का कटआउट है,
ये जाएगा यहाँ पर और कुछ ऐसे लगेगी, बढ़िया लगेगी। देखो भाई फाइनली जो इसका एग्जॉस्ट है वो हमने निकाल दिया है भाई, प्रॉपरली पूरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट अब एकदम परफेक्ट लग रही है भाई। तो चलें फिर अब आपको थोड़ी सी साउंड सुनाते हैं बढ़िया वाली। एंड एनीवेज अचानक से मेरा प्लान बन गया अभी दिल्ली निकलने का, और वो इसलिए बिकॉज हमें वहाँ पर अपनी जो सुपर बाइक है उसे देखने जाना है। मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैं बड़ी देर से परेशान हो रहा हूँ यार सुपर बाइक के लिए ना। पीस हाँ मैन। अब देखो ये जो साउंड है ना यार, इसको मैंने मिस किया बहुत, मतलब साउंड है ही नहीं। दूसरी बाइक पे ऐसे लगता था पता नहीं पूरी दुनिया एकदम सर पे उठा ली है, अब ठीक है। और ये यहाँ पर एक इंजन लाइट आपको आगे शो हो रही होगी, ये बस इसलिए हो रही है बिकॉज हमने इसको वापस से कंप्यूटर पे लगा के रीस्टोर नहीं की सेटिंग्स इसकी। अगर वो कर देते तो ये लाइट भी गायब हो जाती। अब मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि 4 बजे मुझे निकलना है वापस। तो भैया ये देखो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मैं आपको एग्जॉस्ट के पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लो। और आई एम रियली सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है आई नो, और छोटी इसलिए आपको पता है कि मुझे भैया जाना है दिल्ली। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।